गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, माई सेल्फ रुचि गुप्ता फ्रॉम हैप्पी कैंडी स्कूल. एक्सरसाइज 2.9. इन लास्ट क्लास वी हैड डन क्वेश्चन 9. नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट है 0.5 प्लस 6.50 डिवाइड 3.5. पहले इसमें प्लस करेंगे, 6.50 के नीचे लिखना 0.5. जब हम प्लस या माइनस करते हैं डेसिमल एक ही लाइन में आता है, प्लस करके आ जाएगा 7.00. डेसिमल के बाद 00 कुछ नहीं होता, ओनली 7. 7 को डिवाइड करना 3.5 से, आंसर आ जाएगा 2. सेकेंड पार्ट है 10.139 को माइनस करना है 9.139, फिर डिवाइड करेंगे 1000 से. 10.139 माइनस करेंगे 9.139, 9 में से 9 गया 0, माइनस करेंगे 10 में से 9 गया 1. 1.000, डेसिमल के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इन सबको कट कर दो, आंसर आया 1. अब आपको डिवाइड करना है, इसको सॉल्व करके आया 1 डिवाइड बाय 1000. 1 को 1000 से डिवाइड करना है, 1, 2, 3 तीन जीरो हैं तो डेसिमल लगा दो, हमारे पास तो एक डिजिट है तो 2, 3 डिजिट की जगह 2 जीरो लगा दो, उससे पहले डेसिमल. यहाँ 3 जीरो हैं तो डेसिमल के राइट साइड में भी आपके पास 3 नंबर होने चाहिए, लेकिन हमारे पास एक नंबर है तो 2 जीरो लगा देंगे, फिर डेसिमल, डेसिमल से पहले भी एक जीरो, 0.001. नाउ फोर्थ पार्ट है 3.97 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 0.001. पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट है, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के राइट साइड 3 डिजिट है तो नीचे 1000, फिर आगे 1 के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं, डेसिमल हमने हटा दिया, 1000 से 1000 कट गया. 0.397 को आपको डिवाइड करना है 1000 से. अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे 3 जीरो हैं तो डेसिमल 3 नंबर राइट साइड चला जाएगा, लेफ्ट साइड. 1 जीरो है, 1, 2, 3 दो जीरो और लगाएंगे, उससे पहले डेसिमल, डेसिमल से पहले 0. डिवाइड में डेसिमल आपका लेफ्ट साइड जाता है, 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लेफ्ट साइड जाएगा, 1 जीरो हमें गिवन है, 2, 3 डेसिमल, डेसिमल से पहले 0. ठीक है, 0.000397 इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कन्वर्जन के क्वेश्चन है. कन्वर्जन के क्वेश्चन के लिए आपको टेबल लर्न करनी है, जो मैंने आपको टेबल करवाई थी फर्स्ट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में. 11th का फर्स्ट पार्ट है, आपको डेसिमल को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. देखो, डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1, 2 स्टेप यहाँ आ रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो डेसिमल 2 प्लेस राइट साइड चला जाएगा. हमारे पास एक ही डिजिट है तो पीछे एक जीरो लगा दो, और लास्ट में डेसिमल लगाने की नीड नहीं है. 1, 1, 2, 5, 0. सेकेंड क्वेश्चन है 1.125 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. लेफ्ट साइड आ रहे हैं 1, 2 डिजिट, तो यानी 100 से डिवाइड करेंगे. अब डेसिमल लेफ्ट साइड चला जाएगा क्योंकि 2 डिजिट हैं, यहाँ से डेसिमल यहाँ जाएगा. एक डिजिट है, एक डिजिट नहीं है उसकी जगह 0, 0 से पहले डेसिमल, डेसिमल से पहले भी 0. 0.01125 मीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है तो डेसिमल, ये 2 डिजिट हैं तो डेसिमल आपका 2 प्लेस लेफ्ट साइड. हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, एक जीरो लगा, उससे पहले डेसिमल, डेसिमल से पहले भी 0. फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपको सेंटीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. सेंटीग्राम दिया हुआ है, ये सेंटीग्राम है, सेंटीग्राम को किलोग्राम में लेफ्ट साइड आने डिवाइड करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप, यानी 50, यानी 1 लाख से डिवाइड. 3500 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 डिजिट है ना, 3 जीरो, 1, 2, 3 3 नंबर नहीं उसकी जगह 0, 0 से पहले डेसिमल, डेसिमल से पहले 0. 0.035, नीचे 3 जीरो बची हैं तो डेसिमल के राइट साइड आपके 3 नंबर होने चाहिए. 2 नंबर हमें गिवन है, एक नंबर 0 लगा लो, फिर डेसिमल, उससे पहले 0. 0.035 किलोग्राम. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हेक्टोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है. हेक्टोग्राम को ग्राम में 1, 2 स्टेप राइट साइड आ रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई.
100 से मल्टीप्लाई किया, दो डिजिट हैं, डेसिमल दो डिजिट राइट साइड, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल से पहले सिर्फ एक जीरो लगाते हैं, 0.00375 ग्राम, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितनी जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल उतना ही राइट साइड, जब आप डिवाइड करते हैं तो डेसिमल आपका चला जाता है लेफ्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 7, आपको डेकाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ये आपका डेकाग्राम है, डेकाग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक स्टेप यहाँ आ रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई, 3500 डेकाग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। एक स्टेप ये राइट साइड आ रहे हैं, तो एक जीरो यानी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई कर देना 35000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले टेबल बनाना, फिर उसके अकॉर्डिंग देखना, अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, जितने स्टेप राइट साइड जा रहे हैं उतनी ही जीरो से मल्टीप्लाई, अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए फिर आपका डेसिमल प्लेस भी, जब आप डिवाइड करते हैं तो आपका डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड चला जाता है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल प्लेस राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.9 आपको कंप्लीट करनी है अपने मैथ्स की कॉपी में। ओके, थैंक यू।